हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक पनीर। इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम पालक, दो प्याज बारीक कटे हुए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, चार लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, दो बड़े चम्मच क्रीम। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में दो कप पानी अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें पालक के पत्तों को ऐड कर देंगे। पालक के पत्तों को ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। पालक के पत्ते जब उबल जाए तो हम इसे ठंडे पानी में निकाल लेंगे। ठंडे पानी में निकालने से पालक का नेचुरल कलर बना रहता है। अब हम इसे अच्छे से निचोड़ के अपने जार में ऐड कर लेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसका ऐसा पेस्ट चाहिए होगा। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में आधा छोटा चम्मच बटर का डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हींग का डाल के अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें हम बारीक कटी हुई लहसुन डाल के अच्छे से चला लेंगे। लहसुन को कम से कम हमें 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि लहसुन का अच्छा सा अरोमा आ जाए। फिर हम इसमें अदरक डाल के अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल के इसे गोल्डन पिंक होने तक भूनेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर जीरा पाउडर डालकर इसमें हम एक बड़ा चम्मच पानी का मिला लेंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और जले नहीं। फिर इसमें हम कसूरी मेथी डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। कसूरी मेथी मसाला भूनते टाइम ही डालें, जिससे कसूरी मेथी का अच्छा सा फ्लेवर हमारे सब्जी में आए। फिर हम इसमें आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें पालक के पत्तों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हम पालक के पत्तों को 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद जब हम अपना पालक को देखेंगे तो पालक हमारा भुन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम का ऐड कर लेंगे। क्रीम को हम मीडियम फ्लेम पे ऐड करेंगे, नहीं तो क्रीम हमारा फट जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 500 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को मैंने यहाँ प्लेन ही रखा है, मैं इसे रोस्ट वगैरह नहीं करती क्योंकि मुझे पालक पनीर में पनीर ऐसे ही पसंद है। फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्रेंड्स, फिर हम एक तड़का पैन लेंगे। तड़का पैन में हम 1 बड़ा चम्मच बटर का डाल देंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा का डालेंगे। फिर 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च डाल के तड़का को अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसे अपनी सब्जी में ऐड कर देंगे और सब्जी को ढक देंगे ताकि तड़का का फ्लेवर और सुगंध निकले नहीं। ये हमारा पालक पनीर बनके तैयार है। इन्जॉय।